अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जितने भी स्टूडेंट्स इम्तहान दे रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ। आमीन कह दीजिएगा, जो भी इंसान वीडियो देख रहा हो आमीन कह दीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। आपके एक आमीन से किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर दे तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ हमें पॉइंट्स बता दें। ठीक है, प्रेस सी करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये मैं सारी गाइडेंस जो है मैं अकेडमी में स्टूडेंट्स को सबको दी थी, मैंने प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, जिसमें मैंने सॉल्व एक्सरसाइजेज भी दी थी कि आप जो है सॉल्व ये करके तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और पोएम्स जो आपकी हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे बार बार कि सर पोएम्स बता दें, किस में से क्वेश्चंस आने हैं, किसकी एक्सप्लेनेशन आनी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, रेफरेंस फॉर कॉन्टेक्स्ट के लिए, और पोएम्स के क्वेश्चन जो आने हैं। लेयर पोएम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। पास्ट पेपर्स निकाल के चेक कर लें, 5 साल के पास्ट पेपर निकालेंगे तो 4 साल में लेयर पोएम को रिपीट किया गया। अगर मॉर्निंग में नहीं आई तो इवनिंग में आई है, इवनिंग में नहीं आई तो मॉर्निंग में आई है। लेयर पोएम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला जो सवाल है, डिफाइन द वर्ल्ड पर्सोनिफिकेशन। लेकिन सबसे पहली चीज जो है कि हमें एक चीज माइंड में रखनी है कि एग्जामिनर हमसे पूछता किस वे में है, किस सेंस से वो हमसे सवाल करता है। डिफाइन द वर्ल्ड पर्सोनिफिकेशन, हमें पर्सोनिफिकेशन वर्ल्ड का पता होना चाहिए कि लेयर पोएम में यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन का वर्ल्ड। डिफाइन द वर्ल्ड पर्सोनिफिकेशन, ये सवाल आता है, कभी कभी आगे लिखा भी होता है कि वर्ल्ड यूज्ड इन द पोएम लेयर। ठीक है, जहां पे भी पर्सोनिफिकेशन का वर्ड आ जाए ये यूज होने वाला है लेयर पोएम में। लेयर पोएम के आपने क्वेश्चंस लाजमी कर लेने हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है कि व्हाट आर द सिंपल डिलाइट्स दैट वी मिस बिकॉज ऑफ आवर बिजी लाइफ। हम अपनी मसरूफ जिंदगी की वजह से सिंपल डिलाइट्स कौन सी ऐसी हमारी जिंदगी की हैं जो हम मिस कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर लीजिएगा लेयर पोएम की। द सेकेंड वन इज तातारी। तातारी पोएम आपने लाजमी कर लेनी है इंशाल्लाह ताला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल लाजमी आएगा और इसमें से आपकी जो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है वो भी आ सकता है। हंट्समैन पोएम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स वर्क पोएम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन आर्ट पोएम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ये पोएम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिपार्चर एंड अराइवल, ये पोएम आपकी इंपॉर्टेंट है। स्नैक इंपॉर्टेंट है। कुबला खान इंपॉर्टेंट है। और फॉग, ये पोएम्स आपकी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के हवाले से भी और आपकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के हवाले से भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये की हुई हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही करवाई हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी ये कर सकते हैं, जिन लोगों ने किए ऐसे कि पहले 5 महीने सर की हुई हैं, फिर पहली मैंने 10 की हुई हैं, आप पास पेपर निकाल के चेक कीजिए, 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, इसके अलावा 2017 का पेपर, आप पेपर निकाल के चेक कीजिए इन पॉइंट्स में से सवाल आए हुए हैं या नहीं आए हुए। मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स के एनालिसिस किए, उनमें क्वेश्चंस देखे हैं मोस्ट रिपीटेड कौन से वो, और कुछ अपने पास से ऐड किए हैं, और वो वाली मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने करवाई हैं, पोएम्स भी करवाई हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी करवाई हैं। शॉर्ट स्टोरीज में आपको बता देता हूँ, द किलर्स जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम स्टोरी है, वो आप लाजमी कर लीजिएगा। मजीद आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।